दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 की सेकंड लिस्ट जो है अब आ चुकी है और आप इस लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी करीबन मैंने एक महीना पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना की 2018 फर्स्ट लिस्ट में आप अपना नाम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च बार में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको जो है कुछ गूगल का इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा स्टार्टिंग में। तो फिलहाल के दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना होगा एम नरेगा वेब। तो दोस्तों यहाँ पे आप एम नरेगा वेब टू लिख करके सर्च बार पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं तो आपके सामने इस बहुत से रिजल्ट जो है खुल के आ जाएंगे। तो आपको सबसे ऊपर की जो वेबसाइट दिखाई देगी IPPE2 की, तो आप जो है इस पे एक बार क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज में जो है बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस दिखाई दे गए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टेट जो है सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ से अपनी स्टेट जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश स्टेट से हूँ तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपका पेज जो है फिर से एक बार रिफ्रेश होगा और फिर से आपको जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट अगले पेज में सेलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पेज जो है रिफ्रेश हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं यहाँ पे बिजनौर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बिजनौर भी सेलेक्ट कर लिया है। फिर पेज जो है एक बार फिर से रिफ्रेश होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है अपना उत्तर प्रदेश स्टेट और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बिजनौर जो है सेलेक्ट कर ली है। अब मुझे यहाँ से अपनी तहसील जो है सेलेक्ट करनी होगी। तो जहाँ की भी आपकी तहसील लगती होगी आप यहाँ से तहसील को भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपनी तहसील जो है धामपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारी तहसील धामपुर लगती है। तो मैंने यहाँ से तहसील जो है धामपुर सेलेक्ट कर ली है। जैसे ही हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो पेज जो है हर बार रिफ्रेश होता है। तो फिर से पेज रिफ्रेश होगा। जैसे ही दोस्तों आपका तहसील का पेज रिफ्रेश हो जाता है तो अगले बॉक्स में जो है आपको फिर से पंचायत जो है सेलेक्ट करनी होगी। पंचायत यानी कि आपका कौन सा ग्राम है या फिर अगर आपका ग्राम की पंचायत लगती है तो आप जो है वहां से पंचायत भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से चक्राजमल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा नीचे होगा तो मैं यहाँ से नीचे से जो है चक्राजमल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं चक्राजमल पंचायत यानी कि ग्राम से हूँ। जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने जो है यहां पे चक्राजमल सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारे जो है पूरे बॉक्स यहां पे पूरी तरह से फिल हो चुके हैं। अब जब हमारे यहां पे पूरी तरह से सारे बॉक्स फिल हो जाते हैं यानी कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट तहसील और जो है ग्राम पंचायत जब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पेज जो है सभी प्रकार रिफ्रेश हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा सबमिट का बटन दिखाई दे जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है। आपको इस बटन पे एक बार क्लिक कर देना है तो आपके सामने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 की सारी लिस्ट यानी कि सेकंड लिस्ट जो है आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सभी के नाम और फादर नेम जो है यहाँ पे दिए हुए हैं और आपका मकान या फिर आपका भरा हुआ फॉर्म किस प्रक्रिया में है यहाँ पे आप जो है पूरा ब्यौरा जान सकते हैं। तो अगर दोस्तों यह वीडियो या फिर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पता लग सके वे भी अपने प्रधानमंत्री आवास योजना की सेकंड लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने चैनल की अगली वीडियो में।